उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर में एक बार फिर तीन तलाक का मामला सामने आया है, जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी को डाक से तीन तलाक भेजा है। आपको बता दें कि जानसर कोतवाली क्षेत्र के गांव भलवा निवासी अंजुम मूल रूप से भोरा कला थाना क्षेत्र के गांव खेड़ी पट्टी की रहने वाली है। 2013 में हुए दंगों में इसका परिवार जानसर के भलवा गांव में आकर बस गया था, तब से उसका परिवार इसी गांव में रह रहा है। 2016 में भलवा निवासी हारून पुत्र काजिम बेग ने अंजुम का अपहरण कर लिया था। पीड़ित के परिजनों ने जानसर कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज कराया था, लेकिन उस समय जेल जाने से बचने के लिए हारून ने अंजुम से निकाह कर लिया था। हालात को देखते हुए उस समय तो हारून ने निकाह कर लिया, लेकिन बाद में हारून और उसके परिजनों ने अंजुम का उत्पीड़न शुरू कर दिया। आए दिन अंजुम के साथ मारपीट होती रहती थी, लेकिन इंतहा तब हो गई जब हारून ने अंजुम को अपने रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। आरोप है कि एक दिन हारून अंजुम को कपड़े दिलाने के बहाने से बाजार के लिए लेकर घर से निकला और रास्ते में हारून ने अंजुम को जमकर मारा पीटा और उसके हाथ पैर बांधकर उसे गांव के पास के एक जंगल में फेंक आया। इसके बाद आसपास से गुजर रहे लोगों की नजर जब अंजुम पर पड़ी तो उन लोगों ने अंजुम को बंधन मुक्त कराया। आरोप ये भी है कि जिसके बाद अंजुम पास की चौकी पर गई, लेकिन वहां पर अंजुम की कोई सुनवाई नहीं हुई और उसे थाने जाने के लिए कहा गया। परेशान अंजुम जानसठ कोतवाली पहुंची, लेकिन वहां पर भी उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। भूखी प्यासी मारपीट का शिकार हुई अंजुम। दो दिन तक थाने के बाहर बैठी हुई तड़पती रही, लेकिन पुलिस को उस पर कोई दया नहीं आई। इसी बीच उनके गांव का एक व्यक्ति थाने पहुंचा, जहां उसने अंजुम को देखा और उसने अंजुम के परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद अंजुम के परिजन उसे अपने घर ले आए। लेकिन इतने पर भी उनके साथ अत्याचारों का सिलसिला कम नहीं हुआ। अंजुम के फरार पति ने डाक से तीन तलाक भेज दिया। डाक के द्वारा भेजे गए इस तीन तलाक में तीन तलाक का ना तो कोई कारण लिखा है और ना ही कोई खास वजह बताई गई है जिसकी वजह से अंजुम को तलाक दिया गया हो। बस लिखा है तो सिर्फ एक ही बात, तलाक तलाक तलाक। आपको बता दे कि अंजुम 4 माह की गर्भवती भी है और उसके पास 9 महीने की एक बेटी भी है। अब रो रो कर अंजुम अपने बच्चों के लिए हारून के साथ रहने की बार बार गुहार लगा रही है। क्राइम स्टोरी के लिए मुजफ्फरनगर से दीपक वत्स की रिपोर्ट। जी मुझे डांक से तलाक भिजवा दिया तुम्हारे? जी मेरे पति ने। कब हुई थी तुम्हारी शादी? जी हम दंगे में आए हुए थे और मुझे मेरा अपहरण करके ले गए। उसके बाद इन्होंने समझौता करके फैसला ले लिया। अब चल अब तो सही रह रहे। शादी करा दी? शादी करा दी जी। फिर? और फिर मेरे साथ मार पीटते थे, छेड़ता थे। अब चल दे जला अपने घर से, इसकी बहन नर जावती वहाँ पे। और फिर वो दूसरी के साथ लग गया। अब तू तो चल कल ये यार वो है, अब तुझे छोड़ दूंगा। फिर मुझे वहां से लाए, अब चल तुझे कपड़े दिलवा कर लाऊं। फिर मुझे जंगल में डाल गया। वो कपड़ा वो तो मारने की कोशिश कर रहा था, वो तो जंगल में किसी औरत को दिख गई, वो छोड़ कर भाग गया बाइक पे। फिर मैं चुमकी गई, चुमकी वालों ने कहा थाने जाकर मैं गई थाने में। थाने वालों ने कहा चलो। फिर मैं वैसी बाहर आके बैठ गई थाने के बाहर ही बैठे रही। जी बैठी रही वहीं पे। फिर कब? दो दिन तक तुम थाने? जी वैसी की बैठी रही। किसी ने कोई सुनवाई नहीं? जी नहीं, किसी ने नहीं की। जी मैं तो उसी के साथ रहना चाहूँ, भला मैं कहाँ जाऊँ? एक मेरे पेट में और एक मेरी बीबी 9 महीने की, अब तीसरा 3 महीने। कोई मदद नहीं करी किसी ने? जी पुलिस ने भी नहीं करी ना। मेरी लड़की को डाक द्वारा तलाक भेज दिया। डाक से तलाक भेजा है? हाँ जी, डाक से तलाक भेज दिया हारून ने। मेरी लड़की को वही रखा है, एक बच्चा पेट में जी, एक गोद में मेरी लड़की के। कोई मदद नहीं करता, घर पे कोई करने वाला नहीं है, मेरे सिर पे आदमी नहीं है जी।